एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी, एम्बुलेंस कर्मी बना देवदूत। आज करीब 10 बजे ग्राम मोनवा उसका बाजार निवासी अटल बिहारी के घर उनके भाई चौथी प्रसाद की पत्नी इंद्रावती को प्रसव पीड़ा हुई और अटल बिहारी ने तुरंत 108 नंबर डायल कर सारी सूचना दी और बिना देर किए हुए 15 मिनट के अंदर उनके घर एम्बुलेंस पहुंच गया। एम्बुलेंस से अस्पताल जाते समय रास्ते में पीड़ा बढ़ गई, जिस पर एम्बुलेंस में उपस्थित टेक्नीशियन आकाश मिश्रा पायलट जितेंद्र ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने सीनियर डॉक्टर मानवेंद्र से सलाह ली और सुरक्षित प्रसव कराया, जिसकी तारीफ 108 के जिला प्रभारी योगेश चंद्रशेखर और प्रबंधक सौरभ राय ने की और आगे भी बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए उत्साहित किया। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है? इंद्रावती मैना। यहाँ कब आई हैं? कल। बच्चा कहाँ पैदा हुआ? एम्बुलेंस। कितनी दिक्कत हुई? दिक्कत कोई नहीं। कुछ सहयोग किया कोई? किसी ने सहयोग किया आपका? क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? इंद्रावती मैना। बच्चा कब पैदा हुआ, कहाँ हुआ? 11-12 बजे भाई चाली एम्बुलेंस। बच्चे ने कहाँ जन्म लिया? एम्बुलेंस। किसी ने सहयोग किया? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लोगों ने किया। अब बच्चा स्वस्थ है? हाँ। क्या नाम है, कौन सा पद है? क्या मामला है, कहाँ की रहने वाली है और कहाँ इसने बच्चा जन्म दिया? 108 पे कॉल आया था कि एक महिला को लेबर पेन का दर्द हो रहा है, तो 108 से हमारे 41-57 के व्यक्ति लोग गए वहाँ पे, देखे महिला लेबर पेन में है तो 108 की गाड़ी से लेकर के आए। फिर मौके पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे महिला की डिलीवरी लेबर पेन में है, तो 108 की ERCP लेते हुए उन्होंने महिला को सुरक्षित प्रसव कराया और जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। बच्चा कहाँ जन्म लिया, अस्पताल के ही रास्ते में? एम्बुलेंस में, रास्ते में प्रसव इनका हो गया था। तो रास्ते में बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ दिक्कतें? ERCP लिया गया था हमारे जो उसमें है 108 में, तो वहाँ पे MBBS डॉक्टर बैठे होते हैं, अगर कोई भी पेशेंट को थोड़ा क्रिटिकल होता है तो हम लोग 108 पे उनसे सलाह ले लेते हैं। और ये रहे हमारे स्टाफ। कौन कौन थे स्टाफ उस समय? स्टाफ में हमारे थे आकाश मिश्रा और पायलट में हमारे थे जितेंद्र यादव। इनकी सकुशलता से बच्चे ने जन्म? हाँ, इनकी सकुशलता से। हमारे बच्चे का इस समय क्या स्थिति है? बच्चे का स्थिति तो नॉर्मल है, यहाँ पे डॉक्टर को दिखवाया गया, बच्चे का जो भी दवा होता था करवाया गया।